यहाँ भेज दें। माननीय श्री मनोज कुमार झा जी, डिमांड फॉर एलोकेशन स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर बिहार। शुक्रिया उपसभापति महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के लिए आपके समक्ष हूँ। देश की प्रगति का खाका, उसका ब्लूप्रिंट, बिहार जैसे राज्यों की प्रगति के बगैर संभव नहीं है। बिहार श्रम आपूर्ति के राज्य के टैग से निकलना चाहता है। ये टैग हमेशा औपनिवेशिक शासन काल से आज तक लगा हुआ है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात होती है, 378 पूरे देश में है, 265 ऑपरेशनल है, बिहार में एक भी नहीं है सर। बिहार में एक भी नहीं है। तो मेरी मांग होगी सरकार से कि बिहार को वोटिंग स्टेट सिर्फ मत मानिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जो हमारे उड़ीसा के साथी भी कह रहे हैं, हमारे हैदराबाद आंध्र के साथी कह रहे हैं। सबसे पुरानी मांग हमारी थी, जब झारखंड बना सर, तो बिहार के हिस्से में धूल धूप वर्षा के अलावा कुछ नहीं बचा। हमें भी प्रगति के नियामक पार करने हैं सर, और वो तब तक संभव नहीं है। हमारे कई साथी जो हमारे साथ काम कर चुके हैं, वो ये कहते हैं विशेष राज्य ना दे सको तो विशेष पैकेज दो। सर विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं है सर, ये बिहार को या स्वीकार नहीं है। विशेष राज्य भी चाहिए का दर्जा और विशेष पैकेज भी चाहिए। एक चीज कहूंगा सर कि बिहार की प्रगति और विकास के मानदंड की जब चर्चा हो तो बिहार को संवेदना से देखने की जरूरत है। बिहार को सिर्फ चुनाव के वक्त में नहीं सर, अभी 5 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मैं आग्रह करूंगा सरकार के सर्वे सर्वा हैं, अध्यक्ष भी हैं, बोधगया, फतुहा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और एक कोसी के क्षेत्र में, लेकिन साथ ही पूरा बिहार, भाजपा के हमारे मित्र भी जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज में या नहीं होना है। हमें दोनों चाहिए, संसद में मांगेंगे, सड़क पर मांगेंगे। जय हिंद। श्री बाबू भाई जयसिंह भाई देसाई, आज मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान एक गंभीर मुद्दे पर केंद्रित करना चाहता हूँ।